इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, पुजारा की जगह टेस्ट टीम के उपकप्तान बने रोहित शर्मा खेलेंगे तीसरा टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया थर्ड टेस्ट मैच 2021। टीम इंडिया के चाहने वालों के लिए खुशखबरी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में हिटमैन यानी रोहित शर्मा का खेलना पक्का हो गया है, उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया है। अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को चेतेश्वर पुजारा की जगह शुक्रवार को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाया गया है। नियमित कप्तान विराट कोहली के भारत लौटने के बाद जब अजिंक्य रहाणे टीम के कप्तान बने थे तब मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में पुजारा को उपकप्तान नियुक्त किया गया था। टीम प्रबंधन ने पहले ही यह फैसला कर लिया था कि अगर रोहित फिट होकर टीम से जुड़ते हैं तो वो उपकप्तान होंगे। इस मामले से जुड़े बीसीसीआई के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, विराट कोहली की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे के कप्तान बनने के बाद भारतीय टीम के उपकप्तान को लेकर कोई भी संदेह नहीं था, यह हमेशा रोहित ही थे और पुजारा को यह जिम्मेदारी तब तक के लिए सौंपी गई थी जब तक वे रोहित टीम से नहीं जुड़े थे। अधिकारी ने कहा, रोहित लंबे समय से सीमित ओवरों के प्रारूप में भारतीय टीम के उपकप्तान है, ऐसे में यह जाहिर है कि विराट की गैर मौजूदगी में वह टीम के नेतृत्व समूह का हिस्सा होंगे। रोहित सिडनी में 14 दिनों की क्वारंटीन पूरा करने के बाद बुधवार को मेलबर्न में भारतीय टीम से जुड़ गए हैं। अभी हालांकि यह पता नहीं चला है कि रोहित शुभमन गिल के साथ पारी का आगाज करेंगे या मध्य क्रम में खेलेंगे। अगर वह सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे तो खराब लय में चल रहे मयंक अग्रवाल को टीम से बाहर हो सकते हैं, जबकि उनके मध्य क्रम में खेलने पर अनुमा विहारी को अंतिम 11 से बाहर होना पड़ सकता है। उन्होंने 7 जनवरी को सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट के लिए गुरुवार से अभ्यास करना शुरू कर दिया। रोहित ने 32 टेस्ट में 46 की औसत से 2141 रन बनाए हैं। भारतीय टीम 5 जनवरी को सिडनी रवाना होगी।